दोस्तों मेरे चैनल सीएनसी बेसिक को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सही समय पर मिल सके वीडियोस। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एम कोड और जी कोड के बारे में, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना। मैंने जो वीडियोस पीछे बनाए हैं काफ़ी सारे, उसमें भी काफ़ी जो व्यूवर्स हैं, काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझसे ये कह रहे थे कि M03 से जो है आप स्पेंडल को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, लेकिन M04 से स्पेंडल क्लॉकवाइज घूमता है सर, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न है, ऐसा लगता है कि जो कोड मैंने बताया वो गलत है, ठीक है। या आप काफ़ी सारी मशीनों पर जैसे आप घूम के भी देखोगे, देखने को जैसा आपको मौका मिलेगा, तो वहाँ पे आपको एम कोड काफ़ी चेंज मिलेंगे कि यहाँ कुछ और था वहाँ कुछ और था, ठीक है ना। तो मैं आपको आज एम कोड और जी कोड, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ जी और एम कोड के बारे में। इसके बाद कभी भी कोई भी बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ यहाँ बता रहा हूँ बस इतना आप समझ लो बढ़िया से, ठीक है ना। सबसे पहले जी कोड के बारे में बताता हूँ। जी कोड, जो जी कोड है ना, वो हमारा प्रीपरेटरी फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। ये प्रीपरेटरी का मतलब मान लीजिए प्राइमरी फंक्शन कोड है ये हमारा। जी कोड से ही सारी मशीन का मूवमेंट होता है, जैसे चक्का घुमा लिया, टूल का मूवमेंट कर लिया, ठीक है, कटिंग कर लिया। तो ये सारा जो मेन फंक्शन जो है वो जी कोड है हमारा, ठीक है ना। अब जी कोड में है क्या चीज़, जी कोड जो है वो ISO स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है ना, वो यूनिवर्सल कोड है। ये कोड ऐसा नहीं है कि आप और मैं बदल देंगे कोड को। ये कोड अगर इस मशीन पे G01 से लीनियर इंटरपोलेशन है, तो दुनिया की जितनी मशीनें होंगी ना सब पे G01 ही होगा, ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन पैदा नहीं करना आपको। तो ये हमारा ISO स्टैंडर्ड कोड है जी कोड। जी कोड जो है कभी चेंज नहीं होता, वो जैसा है डिट्टो हर जगह वैसा ही यूज होगा आपका, ठीक है ना। लेकिन इसकी भी एक बाउंड्री है, एक बाउंडेशन है इस कोड का भी। मैं आपको बता दूं, काफ़ी कम लोगों को मालूम है इसके बारे में, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो जी कोड है ना, जी कोड का तीन टेबल होता है, हमारी तीन कैटेगरी होती है, ठीक है ना। एक होती है कैटेगरी ए, एक होती है कैटेगरी बी, एक होती है कैटेगरी सी, ठीक है। तो जितने भी मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं जो CNC मशीन्स को बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो, एब्रॉड की मशीनें हो, काफ़ी नामी ग्रामी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, ठीक है ना। तो मशीनें बनाती हैं, तो जब मशीनें बनाती हैं तो मशीनों में होता क्या है, जब वो सिस्टम को अपडेट करते हैं, जो भी हम फालुक का कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है उसमें, तो जब उसकी सेटिंग करते हैं, तो जिस समय हम सिस्टम को अपडेट करते हैं, कंट्रोल सिस्टम को, CNC कंट्रोल सिस्टम को, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिसाइड करता है कि हमारे इस मशीन पे कौन सा जी कोड काम करना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा जी कोड काम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जी कोड कोई अपना जी कोड बना लेंगे, अपना जी कोड पैदा कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनका एक जी कोड डालने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के थ्रू वो जी कोड डालेंगे तो सही, लेकिन उसके तीन कैटेगरी होंगे, ए बी और सी, ठीक है ना। तो ए कैटेगरी में आप देखेंगे G00 कोड है, तो बी में G00 है, सी में भी G00 है। अगर इसमें से कोई ए कैटेगरी डाले या बी डाले या सी डाले, तो मशीन पे G00 ही चलना है, तो इसमें कोई फेर बदल नहीं है, ठीक है ना। आप जब आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हो गए, आप जाओगे आगे, ठीक है ना, हर मशीन पे आप कुछ ना कुछ चेंज देखोगे। इसका रीजन ही है कि सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ कोड जो है, कुछ कोड हमारे कॉमन कोड है, जो मतलब काफी जनरली काफी यूज होते हैं, जैसे आपका G00 हो गया, G01 G02। तो इसमें आप ये चीज नोटिस करेंगे कि ए G00 में, बी G00, सी, इसमें तीनों टेबल में G00 चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। G01 जो है वो भी तीनों में सेम है, ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन बताया था। G02 तीनों में सेम है। ये कुछ कॉमन कोड है जो हर जगह सेम है, ठीक है ना। बट काफी सारे कोड ऐसे हैं जो इन तीनों टेबल में एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है ना। तो G28 जैसे मैंने आपको होम पोजीशन बताया था, ये जो है सब में तीनों कैटेगरी में सेम है ये, ठीक है ना।
आप कभी भी किसी मशीन पर डाल लेना, ये 1 2 3 4, ये 4 कोड ऐसे हैं जो सारे मशीन पर चलेंगे, यूनिवर्सल है, ISO, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब चेंज कहाँ आएगा, चेंज देखिए, ये G32 है, G32, ठीक है। अब G32 जो है, ए कैटेगरी में G32 है, बी में G33 है, G33, और सी में G33 है, G33। ये किसके लिए कोड यूज होता है, ये होता है चूड़ी काटने के लिए, ये थ्रेडिंग का कोड है, थ्रेडिंग, ठीक है ना, चूड़ी काटने के लिए। अब मैंने आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाया G32, और मैंने आपको प्रोग्रामिंग डाल के दिखा दिया, भैया ऐसे ऐसे काम होगा इसमें। अब आप अपनी मशीन पे गए, जहां भी आप काम कर रहे हो या भविष्य में काम करोगे, आपने G32 डाला, वो मशीन चलेगी नहीं आपकी, वो पढ़ेगा ही आपका सिस्टम, आप परेशान हो जाओगे, आप बताया तो ये था, चल क्यों नहीं रहा। तो यही रीजन है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी, इन तीनों में से एक कैटेगरी वर्क करेगा आपका कोई सा, ठीक है ना। अगर आपकी मशीन पर G32 नहीं चलेगा, तो फिर आपकी मशीन पे इस थ्रेडिंग के लिए G33 चल जाएगा, या तो G32 या G33, ठीक है ना, ये फर्क है, कैटेगरी का फर्क है, बट एट लास्ट है क्या, स्टैंडर्ड कोड है ये हमारा, चेंज नहीं होगा, इस तीनों में से कोई एक ही होगा, चौथा कोई नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। G70 होती है हमारी, ये हमारा फिनिशिंग साइकिल होता है, ठीक है, मैं आगे सिखाऊंगा आपको, कैनेट साइकिल है ये, G70 फिनिशिंग साइकिल है। अब देखो G70 ए कैटेगरी में G70 है, बी में G70 है, और सी में ये G72 हो गया। अब मैंने G70 में सिखा दिया आपको, और आप डालने चलेगा मशीन में, G70 में पड़ेगा नहीं, चलेगा ही नहीं मशीन आपका, आप परेशान हो जाओगे। तो वहां पे क्या समझदारी करनी है, वहां पे ये समझदारी करनी है, G70 नहीं चलता, G72 चला दो, ठीक है। वैसे G71 होता है, स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग होता है G71, तो ए कैटेगरी में भी G71 है, बी में भी G71 है, लेकिन सी में G73 है, ठीक है ना। G70 वर्क नहीं करेगा तो क्या काम करेगा, G73 काम करेगा। G72 स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग है, कैनेट साइकिल है, ये भी आगे बताऊंगा मैं आपको। ये ए और बी कैटेगरी में सेम है, लेकिन सी में ये G74 से चलेगा ये कोड आपका, ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। फिर G76 जो है मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल है, G76 ए कैटेगरी में G76 है, बी में G76 है, बट सी में देख रहे हो आप G78 है। तो दोस्तों जी कोड जो है हमारा ISO स्टैंडर्ड कोड है, बट ये 3 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी काम करेगा आपका। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा आपके, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा कोड काम कर रहा नहीं कर रहा, तो हमें क्या है कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा अपना। आप किसी मशीन पर जा रहे हो, मैंने आपको शुरू से कहा कि मेरे वीडियो 1 से देखिए, आप 1 2 3 से आगे बढ़िए, एक एक चीज को बारीकी से बता रहा हूँ, बड़ा डीपली, बड़े डेप्थ में जाके बता रहा हूँ। उसमें मैंने बनाया था वीडियो हाउ टू मेक प्रोग्राम, उसमें मैंने आपको एक एक चीज बता दी, प्रोग्राम नंबर ऐसे है, सिक्वेंस नंबर ये है, टूल का नंबर ये है, ऑफसेट नंबर ये है। अब आप जब पूरे नॉलेजेबल हो जाएंगे, आपको हर चीज की समझ हो जाएगी, आप किसी अननोन मशीन पे भी चले जाओगे, तो आप कम से कम उसके प्रोग्राम को खोल के देख लोगे, देख के आप ये पता लग जाएगा इसने कि हाँ भाई ये प्रोग्राम नंबर है, इसने सिक्वेंस नंबर भी डाल रखा है मशीन के अंदर, टूल नंबर ये इसका मतलब टूल नंबर है। आप तभी तो पहचान पाओगे उस प्रोग्राम को जब आपको उसकी नॉलेज होगी, ठीक है ना। अब आप उसके प्रोग्राम को खोल के देखोगे तो देखोगे यार इसने तो G71 की जगह G72 लगा रखा है। आप उसे तभी पकड़ सकते हो, उसे तभी कैच कर सकते हो जब आपको यहाँ पे नॉलेज हो जाएगी पीछे की, ठीक है ना। और हर मशीन के संग क्या होता है, हर मशीन के संग आपका एक जो है किताब आती है, ऑपरेटर मैनुअल, वो ऑपरेशन के लिए आता है, जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो उनके लिए किताब आती है, ठीक है ना। तो वो होता है, कई मशीनों पे आप जाएंगे तो मशीनों के बिल्कुल फ्रंट पे जो है एक लेबल लगा होता है, उस लेबल पे जो उस मशीन जो मतलब वो पर्टिकुलर वो मशीन जिस जिस कोड को पढ़ेगी, पर्टिकुलर उसी कोड को उस पर एक लिस्ट लगा दी जाती है, उस मशीन के ऊपर जो मशीन मैन्युफैक्चरर है वो लगा देते हैं कि किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। या तो आप पे ऑपरेटर मैनुअल होगा या मशीन पे लिखा होगा, और तीसरा ना तो ऑपरेटर हो आप पे ना मैनुअल हो आप पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर दोनों नहीं है तो मशीन में कोई ना कोई प्रोग्राम तो पहले से चल ही रहा होगा, अगर पुरानी मशीन है तो आप उसके कोड को पढ़ेंगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा। और दोस्तों मैं अभी तो समझाने के लिए मैंने ये कुछ लिस्ट निकाल दी आपकी, समझाने के लिए निकाली है, एक पूरी लिस्ट है, तो वो मैं PDF फॉर्मेट में दूंगा, तो मैं इस वीडियो में तो डाल नहीं पाऊंगा ये लिस्ट, ठीक है ना। मेरी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है काम, उस पर बन जाने दो उसे, आप उसके अंदर PDF फॉर्मेट में पूरी लिस्ट डाल दूंगा, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, मैं पूरा आपके साथ आगे रहूंगा।
और सारी चीजें आपको एक एक करके सारी चीजें समझाता रहूंगा, ठीक है। अब लिस्ट में तो यहाँ बता नहीं पाया, लेकिन मैं जहां भी कोड यूज करूंगा ना, मैं आपको ये चीज बता दूंगा, अगर ये कोड नहीं चलेगा तो उसकी जगह ये कोड चलेगा, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस चीज से आप बेफिक्र रहिए, आप परेशान मत होइएगा इस चीज के लिए। अभी मैंने आपको G01 बताया, G00 बताया, G28 बताया, ठीक है ना। तो वो तो आप देख रहे हैं ए और बी और सी कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी में सेम है, तो कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे जब G70 में लगाऊंगा तो बता दूंगा भाई G70 काम नहीं करेगा, तो इसके जगह G72 काम करेगा या G73, जो भी इसकी कैटेगरी होगी। G71 काम नहीं करेगा तो G73 काम करेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ लेते हैं इस चीज को। अब आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जी कोड को लेके, ठीक है ना। अगर किसी ने G70 के जगह G73 लिख के स्टॉक रिमूवल समझ रहा है, समझा रहा हूं, तो समझ जाइए आप कि हाँ ठीक है, इसमें ये वाला कोड लेगा। थ्री कैटेगरी है ए बी और सी, ठीक है। लिस्ट में आगे पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर डालूंगा, और जब मैं आपको जैसे जैसे बताता जाऊंगा ना, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि G70 के जगह ये भी लग सकता है या ये लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो जी कोड दोस्तों आपको यहां समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एम कोड की तरफ। एम कोड जो है, एम कोड का मतलब होता है मिसलेनियस कोड। मिसलेनियस मतलब होता है हिंदी में विविध और अन्य प्रकार के कोड, जी कोड को छोड़ के, ठीक है ना। दो ही कोड होते हैं सीएनसी में, जी कोड या एम कोड। तो एम कोड का जो काम है, जैसे क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए बता दिया, कूलेंट ऑन ऑफ, ठीक है ना। कूलेंट यूज करते हैं मशीन में हम, जो कटिंग के टाइम में क्या होता है, जो हीट वहां पे पैदा होती है, उस हीट को प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कूलेंट का यूज होता है, पानी का एक, ठीक है ना। तो वो यूज हो गया आपका, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए हो गया, ठीक है। तो सब प्रोग्राम रिकॉल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिला के एम कोड जो है, एम कोड जो है ये नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड कोड, इसका कोई माई बाप नहीं है, देसी तरीके से ये कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखा था, मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने M03 से जो है चक को घुमाया है क्लॉकवाइज रोटेशन में, घड़ी की सुई की दिशा में, और भी हो सकता है, बहुत लोगों को मतलब ऐसा लगा होगा देखने वाले को कि ये गलत है। तो एम कोड जितनी भी कोड है ना, इसका कोई माई बाप नहीं है, ये चेंजेबल कोड है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो जो मशीन मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से इस कोड को असाइन करते हैं कि हमें पर्टिकुलर कूलेंट के लिए M05 यूज करेंगे जी, स्टॉप और रिसेट के लिए M02 करेंगे, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए M04 यूज करेंगे। तो आप जब डिफरेंट मशीन्स पे जाओगे तो पता लगेगा, इस पे M03 में क्लॉकवाइज है, दूसरे पे M05 में, और चौथे पे M05 में है, हर एक पे अलग अलग कोड है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो मशीन मैन्युफैक्चरर है वो भी क्या करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि चलो M04 है तो सब पे M04 डालते हैं। बट एम कोड चेंजेबल है, और एम कोड जी कोड की तरह नहीं है कि तीन कैटेगरी है इसकी, ए बी और सी, ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं चाहूँ M03 को ना M300 भी कर सकता हूँ, मैं M03 को चाहूँ तो M35 कर सकता हूँ, M7 कर सकता हूँ। तो ये एम कोड नॉन स्टैंडर्ड कोड है। तो एम कोड पे तो आप कभी भी ये मत सोचो कि अगर एम कोड मैंने ये सीख लिया तो हर मशीन पर जाके वही वाला कोड डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है कि या तो ऑपरेटर मैनुअल होगा आपके पास, नहीं होगा तो मशीन पे उसकी लिस्ट लगी होगी, एक लेबल लगा होगा, वहां देख लो आप। मशीन बहुत पुरानी है, किसी अननोन जगह चलेगा जहां पे ना तो आपके पास मैनुअल है ना जहां पे आपके पास लेबल है, तो वह पुरानी मशीन है, तो कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम उसके अंदर डला होगा पहले, ठीक है। तो प्रोग्राम देख के हमें समझ में आ जाता है कि यार यहाँ पे ना ये नहीं, यहाँ पे ये होगा, क्योंकि जब प्रोग्राम की सारी जानकारी होगी। मैंने शुरू से आपको कहा कि मेरे वीडियो को वीडियो 1 से देखिए आप, क्यों कहा कि एक एक स्टेप चलो, एक एक स्टेप आप। तो उसमें एक वीडियो बना रखा हाउ टू मेक प्रोग्राम, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें प्रोग्राम का नंबर डाला है, सीक्वेंस नंबर डाला है, मैंने टूल के बारे में बताया, टूल ऑफसेट क्या है, ठीक है, होम पोजिशन के लिए बताया, तो एक एक चीज को समझोगे। और जब आपको इसकी जानकारी हो जाएगी तो आप प्रोग्राम किसी मशीन के प्रोग्राम को देख के बता दोगे कि यहाँ पे इस कोड से क्या हो रहा है, इस कोड से क्या हो रहा है, यहाँ पे कूलेंट कहाँ ऑन हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता कि आप बिल्कुल कि आप गए और आपको बिल्कुल वहां पे बिल्कुल सेम एज इट इज जैसा बताया वैसा मिल जाएगा। हर मशीन पे कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है ना, हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो
जो ये एम कोड है वो नॉन स्टैंडर्ड कोड है। तो अब ये भी क्वेश्चन दिमाग में आएगा, मेरे भी आता है, ये आया था पहले कि यार ये भी कोड स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए, क्यों? ठीक है ना? तो लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार मशीनें जो होती है हमारी, सीएनसी मशीन भी कई तरीके से हमारी फुली ऑटोमेटिक भी होती है, ठीक है ना? उसमें बहुत सारे फंक्शंस जो है हम नए बनाते हैं उसमें, नए ऑपरेशंस के लिए, ठीक है? जैसे रोबोट्स, रोबोट्स यूज होते हैं मशीन पे कंपोनेंट को लगाने के लिए। एक तो होता है मैन पावर के थ्रू हम मशीन पे कंपोनेंट लगा रहे हैं, ठीक है ना? इंसान आ रहा है, ऑपरेटर आता है, वो लगाता है। लेकिन काफी जो बड़े बड़े प्लांट है वहां पे क्या होता है, रोबोट्स आते हैं, रोबोट्स पीस लगाते हैं। तो रॉबर्ट को मूवमेंट करने के लिए, बहुत सारे करने के लिए, तो नए नए कोड की हमें, एम कोड की जनरेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए एम कोड को चेंज करने की आजादी है, ठीक है ना? लेकिन जी कोड को बिल्कुल भी नहीं है। जी कोड ए बी या सी, तीन सेक्शन में से कोई एक ही होगा, ठीक है ना? तो एम कोड को चेंज किया जा सकता है, एम कोड चेंज होते हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही कहा था मेरे एक सब्सक्राइबर ने कि M04 से क्लॉकवाइज घूमता है, तो हो सकता है उनकी मशीन पे M04 से घूमता हो, नो डाउट, ठीक है ना? तो कभी भी इस चीज पे नहीं आना। हाँ, एक बात और ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो भी क्या करते हैं, एक चीज को फॉलो करते हैं कि इतना वेरिएशन मत रखो कि एक ने M07 यूज कर लिया तो आपने M700 कर दिया उसको, या किसी ने M03 कर दिया क्लॉकवाइज के लिए तो आपने कर दिया M300। तो M03 है तो M04 होगा, या 5 या 6, उसके आसपास ही होता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना? एम कोड से बहुत सारे यूज है, बहुत कुछ यूज है। जैसे कि जो हम डोर यूज करते हैं मशीन के सामने, फ्रंट पर डोर को हम खोलते हैं, पीस लगाते हैं, फिर डोर क्लोज करते हैं, तो डोर को फुल्ली ऑटोमेटिक करने के लिए भी एक सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम को जब हम कर लेते हैं तो फिर उसके लिए भी एक कोड जनरेट कर देते हैं कि हाँ एम फलाना फलाना, M200 या M261 कोड एक बना लो, जिससे कि प्रोग्राम में हम जैसे प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो वहां पे हम लिख लेंगे M261, तो प्रोग्राम जैसे पढ़ेगा अपने आप गेट लगा देगा, फिर गेट खोलने के लिए भी एक कोड चाहिए होगा, तो हमने उसके लिए बना दिया M250। तो लास्ट में हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो कंपोनेंट बन जाएगा, तो लास्ट में प्रोग्राम के लास्ट में लिख लेंगे M251। M251 जैसे सिस्टम पड़ेगा फिर क्या होगा, वो गेट भी अपने आप खुल जाएगा। समझ गए बात आप? तो कोड की, इस कोड की जरूरत होती है, हमें चेंज करना पड़ जाता है, तो इसलिए ये कोड जो है चेंजेबल कोड है, एम कोड, तो ये कभी भी स्टैंडर्ड कोड नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो हमें ये चीज मशीन पे जाके सीखना पड़ेगा, या कोई भी मशीन, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो तो उसके ऑपरेटर पैनल में होगा, वो नहीं होगा तो उसके प्रोग्राम को देख के समझ में आ जाएगा कि किसका क्या मतलब है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।